A very warm welcome to you all in my YouTube channel, Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8. If you like this video, then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में हमने डिस्कस कर रहे थे और लास्ट की क्लासेस में हमने हार्मफुल और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फूड प्रिजर्वेशन, मतलब हम फूड को किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। टू स्टोर द फूड फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द माइक्रोबल ग्रोथ। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड मटीरियल टू प्रिजर्व देम फॉर लॉन्गर टाइम इज कॉल्ड एज अ फूड प्रिजर्वेशन। जब हम कोई भी फूड को लॉन्ग टाइम के लिए मतलब प्रिजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं, तो हम ये चीज़ कोशिश करते हैं कि उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो, क्योंकि अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएगी तो वो फूड हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक तरह से खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो जो भी हम प्रोसेस करते हैं फूड मटीरियल को प्रिजर्व करने के लिए लॉन्गर टाइम के लिए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। There are the certain indicators that tells us whether the sample of the food is good or bad for consumption. Some of these indicates are odor, जो कि smell होती है, taste and color. ये basically वो factors होते हैं जो कि ये represent करते हैं कि जो हमारा food है वो हमारा good है या bad है, किस तरीके से है। अगर good quality का होगा तो उसमें ये सब factors नहीं find out होंगे, और अगर bad for consumption होगा तो उसका taste खराब हो जाएगा, उसका color खराब हो जाएगा और उसमें smell type की मतलब खराब सी smell आने लगेगी। तो ये इस चीज़ को indicate करता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ स्टार्ट हो गया है और वो ग्रो करने लगे हैं, और जो हमारा ये फूड है ये ईटेबल नहीं है, मतलब खाने लायक अच्छा नहीं है। अब हम ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जिन अब हमने पहले ये चीज़ जान लिया कि फूड प्रिजर्वेशन बेसिकली होता क्या है, कि अगर हमें कोई भी फूड बहुत लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर करना हो तो उसमें जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं, उसी को फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। अब कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो कि फूड प्रिजर्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जिनके मतलब हेल्प से हम अपने जो फूड है उसको ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आता है दैट इज़ बॉयलिंग। बॉयलिंग लिक्विड फूड आइटम्स कैन किल एनी एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स। मिल्क एंड वाटर आर ऑफन बॉइल्ड टू किल एनी हार्मफुल माइक्रोब्स दैट मे बी प्रेजेंट इन देम। जैसे हमारा घर में देखा होगा, जैसे मिल्क होता है, वाटर होता है, इन सबको हम अधिकतर मतलब अगर एक दो मतलब वन डे के लिए रखा है तो वन डे में कम से कम नियर अबाउट 2 to 3 times इसको बॉयल करते हैं। उसका ये रीज़न होता है कि अगर कोई भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करना स्टार्ट करें तो वो हमारे किल हो सकें, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उससे हम अपने मिल्क को या वाटर को मतलब प्रिजर्व कर सकें, सेव कर सकें। तो इसलिए हम ये बॉयलिंग के मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बेसिकली बॉडी में भी आप लोगों ने टर्म सुना होगा, बॉडी से डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो डिहाइड्रेशन का यहाँ पे मतलब यही होता है रिमूवल ऑफ वाटर, कि जो भी हमें फूड आइटम स्टोर करना है, जैसे हमारा दाल वगैरह हो जाती है, पल्सेस वगैरह हो जाती हैं, हमारी सीरियल्स वगैरह हो जाते हैं, और भी जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, इनको अगर हमें प्रिजर्व करके रखना है तो हमें पहले ड्राई सनलाइट में इसको प्रॉपर तरीके से सुखाना चाहिए, और उसके बाद ही इसको हमें स्टोर करना चाहिए। प्रॉपर वाटर वगैरह उससे जो भी हो वो रिमूव हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें ज़रा सा भी क्वान्टिटी ऑफ वाटर रह जाएगा तो वो हमारा जो है उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ स्टार्ट होने लगेगी और जो फूड आइटम है वो हमारा खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे। तो डिहाइड्रेशन में एक तरह से प्रोसेस होती है रिमूवल ऑफ वाटर की, जिसमें हमारा फूड जो होता है वो प्रिजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड आता है दैट इज कैनिंग। तो जैसे जैम्स वगैरह की बॉटल देखी होगी आपने, जो टिंड में मतलब जो कैंस में फूड आइटम्स आते हैं, तो उसमें भी एयर टाइट में प्रॉपर कंटेनर्स में उनको पैक किया जाता है, जिससे जो फूड है वो थोड़ा लॉन्गर टाइम तक का लिए मतलब स्टे कर सके। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। कुछ फूड आइटम्स होते हैं, हम उसको अगर ज़्यादा टाइम तक हमें स्टोर करना है, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हो गई, मीट वगैरह हो गया, इन सबको हम रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर पे एंड फ्रीजिंग हेल्प अस टू प्रिजर्व द फूड फॉर द लॉन्गर टाइम, सिंस द लो टेम्परेचर आर नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स।
तो इस वजह से हम इन सबको फ्रिज में वगैरह रख देते हैं, फ्रीजर में, और जितना भी हमारा ये होता है फूड आइटम, ये हमारा उसमें खराब नहीं होता है। वेजिटेबल्स वगैरह देखेंगे, अगर आप इसको बाहर अगर एज इट इज रख देते हैं तो वो एक दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के अंदर अंदर खराब हो जाएगी। पर अगर हमारा फ्रिज वगैरह में रखा हुआ है वेजिटेबल्स वगैरह, तो वो थोड़ा लॉन्गर टाइम तक के लिए स्टोर हो सकती है। बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए भी नहीं, बट हाँ एटलीस्ट 3 to 4 to 5 days तक का लिए हमारा, हम इसे स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है यूजिंग ऑफ केमिकल प्रिजर्वेशंस। तो केमिकल प्रिजर्वेशन की मदद से भी हम फूड को स्टोर कर सकते हैं। द सब्सटेंस विच हेल्प इन प्रिजर्विंग द फूड इज नोन एज प्रिजर्वेटिव। जो सब्सटेंस फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज होते हैं उन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स यूज बोलते हैं। कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट हो गया, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट हो गया, आर यूज इन स्क्वैचेस, कैचअप्स एंड शर्बेट्स। मतलब जो टमाटो सॉस की जो हमारे कैचअप्स वगैरह होते हैं, उन सब में इस केमिकल का यूज किया जाता है कि जिससे ज्यादा टाइम तक हम उसको स्टोर कर सकें, मतलब खराब इजिली ज्यादा जल्दी हमारा ना हो। यूजिंग द सॉल्ट, शुगर, ऑयल और विनेगर। जैसे आपने अचार वगैरह में देखा होगा, विनेगर सिरका हम लोग डाल के रख देते हैं जिससे उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो और ज्यादा टाइम तक हम उसको प्रिजर्व कर सकें। उसमें सॉल्ट है, शुगर है, ऑयल, ये सब भी ऐड किया जाता है। एडिशन ऑफ दीज सब्सटेंस क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर द माइक्रोबियल ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। और ऐसे जिस मतलब जैसे अचार वगैरह हो गया, उसमें जब ये सब चीजें पड़ी होती हैं तो उसमें ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है एक तरह से, कि जहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। और दीज सब्सटेंस इन एडिशन टू द प्रिजर्वेशन ऑल्सो एड टू द फ्लेवर टू द फूड। और ये जो सब्सटेंस हमारे होते हैं वो एक तरह से फूड को माइक्रोब से तो प्रोटेक्ट करते ही हैं, और साथ ही साथ में फूड में कुछ फ्लेवर भी एड अप कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पैस्चराइजेशन। बेसिकली हमने कॉमन एग्जाम्पल देखा है पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। इसमें क्या होता है कि मिल्क को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और उसके बाद उसको कोल्ड किया जाता है, ठंडा किया जाता है एट लोअर 10 डिग्री सेल्सियस से भी लो टेम्परेचर में, और उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है। तो इस तरीके से जो मिल्क होता है उसको जब हम लेके आते हैं जो कंज्यूम करने के लिए बाहर से, जैसे हम खरीद के लेके आए मिल्क, तो उसको उस टाइम पे हमें बॉयल कर देना चाहिए। तो एक तरह से ये पैस्चराइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें जो हम मिल्क होता है, जैसे बाहर जो कैंस वगैरह में मिलते हैं मिल्क, जो पैकेट्स वगैरह में मिलते हैं, वो इस तरीके से ही मतलब स्टोर किए जाते हैं कि सबसे पहले उनको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीटअप किया जाता है और उसको 10 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर पे मतलब ठंडा किया जाता है, तब ये पैक किए जाते हैं, जिससे जब हम लोग घर में लेके आते हैं तो इजिली हमारा ये मतलब बॉयल करके हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर ऐसा घर में अगर हम एक दिन के लिए भी अगर बिना बॉयल करे हुए मिल्क रख दे तो वो खराब हो जाता है। बट जो आपने पैकेट वाला देखा होगा वो 2 3 दिन के लिए, मतलब 1 2 दिन के, 3 दिन के तो एटलीस्ट चल ही जाता है। तो ये इसी प्रोसेस के थ्रू मतलब पैक होता है, इस वजह से इस प्रोसेस को हम पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें बेसिकली यही चीज है कि जो हमारा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, और ये मतलब इसमें केमिकल प्रोसेस होती है और इसको वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जिससे जो रूट्स होती हैं रूट्स के थ्रू इजिली ये नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होके प्लांट्स को मिल जाती है। बेसिकली यही हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है। और इसमें कुछ बैक्टीरिया और ब्लू एल्गी जो हमारे होते हैं, जो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं और जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, इन सब की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। और बेसिकली जो हमारा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो नाइट्रो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो इस सॉल्युबल नाइट्रोजन में जो कन्वर्ट होता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एक बार देख लेते हैं। नाइट्रोजन इज फॉर्मड इन मेनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड क्लोरोफिल। ये सब चीजें होती है जहाँ पे नाइट्रोजन हमारा पाया जाता है। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इन टू द वॉटर सोल्यूबल सब्सटेंस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो डायरेक्टली उसको सप्लाई नहीं कर पाते हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब उसको वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद दी सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स थ्रू द रूट्स, और उसके बाद जो ये सब्सटेंस होते हैं वो रूट्स के थ्रू इजिली प्लांट तक, प्लांट्स मतलब है रूट्स के थ्रू इजिली कंज्यूम कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये प्रोसेस इट इज कैरीड आउट बाय सम बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और द प्रोसेस बाय विच द फ्री नाइट्रोजन एन टू इज
कन्वर्टेड इनटू द सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो ये प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 होता है, ये हमारा सॉल्युबल नाइट्रोजन सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का कंप्लीट प्रोसेस हो गया। अब इसमें आगे बताया गया है बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, कि जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे हमारा पीज हो गया, सोयाबीन्स हो गया, इसके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं इसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम राइजोबियम कहते हैं। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस है इसमें, मतलब इस प्रोसेस को कैरी आउट करने में मदद करता है। मतलब जो बैक्टीरिया होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, वो इस बैक्टीरिया जो ये बैक्टीरिया होता है वो उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सोल्युबल मतलब नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो दिस कन्वर्ट द नाइट्रोजन गैस इनटू द नाइट्रेट कंपाउंड, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। उसके बाद प्लांट्स उसको यूज करते हैं अपने ग्रोथ के लिए। और जो ये प्लांट्स आगे चल के ग्रो करते हैं, तो ये प्लांट्स क्या होते हैं, जो उनकी एनर्जी होती है, जो फ्रूट्स वगैरह इनसे निकलते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं हर्बीवोरस को। मतलब जो हम ह्यूमन बींग्स हो गए और जो एनिमल्स खाली प्लांट्स पे हमारे डिपेंड होते हैं, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो सब इन हर्बीवोरस के द्वारा कंज्यूम कर लिए जाते हैं। और जो ये हर्बीवोरस होते हैं ये कार्निवोरस के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। मतलब वो एनिमल्स जो मतलब दूसरे के मतलब डेड फ्लैश पे, मतलब एक तरह से जो मतलब नॉनवेज टाइप का मतलब एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, वो जो मतलब हर्बीवोरस होता है, जो हर्बीवोरस होते हैं वो हमारे कार्निवोरस के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। और जब ये कार्निवोरस के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं तो कुछ एनिमल्स का जो डेड रिमेन्स रह जाता है और जो कुछ प्लांट्स का भी डेड रिमेन्स रह जाता है, वो हमारा क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जब भी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है तो उससे हमारे कुछ प्रोटीन्स या कुछ नाइट्रोजन मतलब कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, वो जो हमारे ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर नाइट्रोजन कंपाउंड में, जैसे नाइट्रेट हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, और वापस ये जो नाइट्रेट वगैरह हमें मिलता है तो वे वापस से क्या होता है कि सॉइल के द्वारा प्लांट्स इसको कंज्यूम कर लेते हैं और ये बैक नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से ये प्रोसेस हमारा एक तरह से चलता रहता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। एक बार फिर से यहाँ से पढ़ लेते हैं कि फ्रॉम द हर्बीवोरस टू कार्निवोरस व्हेन दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई, दे आर डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द प्रोटीन्स एंड द अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर नाइट्रोजन कंपाउंड सच एज नाइट्रेट, यूरिया एंड अमोनिया। सम ऑफ दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल एंड प्लांट्स एंड अदर्स आर कन्वर्टेड बैक टू द नाइट्रोजन गैस बाय अनदर टाइप ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन द एटमोसफेयर, सॉइल, प्लांट एंड एनिमल्स इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। मतलब कहने का सिर्फ यही है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, सबसे पहले प्लांट्स उसको, जो बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद प्लांट्स उसको कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो हर्बीवोरस के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, और जो कार्निवोरस होते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं वो कार्निवोरस के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। कंज्यूम करने के बाद जो एनिमल्स का और प्लांट्स का डेड रिमेन बचता है वो हमारा डिकम्पोज होता है, किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और डिकम्पोज होने के बाद ये प्रोटीन्स और नाइट्रोजन गैस में टूटता है और ये सिंपलर कंपाउंड इससे मतलब रिलीज होते हैं, जो कि हमारे नाइट्रेट हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया। और जो ये नाइट्रेट हमारा मिलता है ये वापस से प्लांट्स उसको कंज्यूम कर लेते हैं अपने आगे फर्दर ग्रोथ के लिए। और जो बेसिकली यही हमारा प्रोसेस है, ये इसी तरीके से कॉन्टिन्यूसली रिपीट होता रहता है। नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती रहती है, वापस से पूरा प्रोसेस होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है और प्लांट्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, फिर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है। तो इसी प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज आपका ये चैप्टर नंबर 2 जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर 3rd चैप्टर स्टडी करेंगे। सो थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव द नोटिफिकेशन अबाउट द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।